दोस्तों कबूतरों को नहलाने का बहुत बढ़िया तरीका, लोग छोटे छोटे बर्तनों में पानी भर के रख देते हैं जिससे कबूतर ना तो उसमें डूब अंदर बढ़ पाता है पानी में, और चार कबूतर पांच कबूतर उसमें बढ़ जाते हैं और सीधा बर्तन फुल हो जाता है। ज़्यादा कबूतर होते हैं तो कबूतरों को नहाने में भी मज़ा नहीं आता है, तो बड़े से बड़े बर्तन में कबूतरों को पानी रखें, और दोस्तों इतना पानी रखें कम से कम कबूतर आधा डूब जाए उसमें। ये हमने भी एक टब बनवा रखा है, लगभग 2.5x3 फीट का टब है, लगभग 20-25 कबूतर इसमें एक साथ बढ़ जाते हैं नहाने के लिए। अब छोटे बर्तन में दो कबूतर बढ़ जाते हैं, बाकी का मन भी मर जाता है नहाने से। और ये पुरीत का टाइम है, स्टंप तो जितना कबूतर को नहलाओगे इतना पर अच्छा डालेगा। कुरीत का मौसम है, बहुत कबूतर नहाता है इस मौसम में, जितना नहलाओगे इतना नहाएगा। बरसात में तो अलग, बारिश में अलग नहाएगा, और अगर दो दिन बारिश ना पड़े उमस हो जाती है तो और ज़्यादा नहाता है। मौसम ऐसा है उमस का, दो दो तीन तीन बार नहा लेता है कबूतर, सूख के दोबारा नहाना स्टार्ट कर देता है। और बड़ा बर्तन है, बड़ा टब है, तो बहुत आराम से खुला होकर कबूतर परवर बढ़िया से खोल कर नहा लेता है। और दोस्तों बारिश में जितना हो सके इतना कबूतर को नहलाओ, इस वक्त अच्छी कुरीत डालता है कबूतर। लगभग लगभग सभी कबूतर नहा चुके हैं, बड़ा टब है, पता नहीं चला एकदम सब नहा लिए। तो दोस्तों हमारा काफी बड़ा टब है, तो चाहो तो इसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके भी नहला सकते हो, बारिश का काम करेगा पानी।